एटीएन सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने के। मेरा भाई अंकित कुमार है, वो खिलाड़ी है स्टेट लेवल का कबड्डी। यहाँ अपने दोस्त के यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। अंशु कुमार नाम है उनके दोस्त का। बोल रहा है कि 10-15 दिन से यहाँ दूसरे जगह रहने लगे। सुबह 7 बजे अंशु गया हमको घर को बुलाने के लिए, चलिए ना ऐसे से हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद रोशन कुमार और नंदू कुमार और क्या नाम लेता है, भोलू कुमार का नाम आ रहा है, जो कि हत्या रोशन कुमार सुनने किया। किस चीज से हत्या करने का आशंका जताई? गोली मार दिया सिर में। क्या नाम है आपका? बबन कुमार। मृतक आपके कौन थे? छोटा भाई है मेरा। सदर थाना अंतर्गत पशुपालन कॉलोनी में एक लड़का अंकित कुमार नाम के यहाँ किराए का रूम लेकर के रहता है, तो गोली मार के उनकी हत्या हुई है। प्रथम ऐसे साक्ष्य भी आ रहे हैं, जो शामिल लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को जो संदिग्ध है उनको पकड़ा गया है, और जो मोटरसाइकिल यहाँ से बरामद हुई है, तो जो मोटरसाइकिल चलाता है डबल साइकिल है, उसको चिन्हित कर लिया गया है। घटना में जो भी शामिल है उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया गया। सर, ये अंदर में आपत्तिजनक कुछ और संबंधी मिला क्या? अभी उसका सर्च किया जा रहा है। मृतक के हाथ से असलहा जो है उसका मैगजीन है, उसमें गोली है। अभी उसको ये सीजर बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है तो स्पष्ट हो पाएगा जितना उसका कारतूस। हिरासत में कितने लोग हैं अभी? पूछताछ के लिए जो संदिग्ध हैं, जो मुख्य अभियुक्त जो सामने आ रहे हैं, उनके साथ के 2 लोगों को पूछताछ के लिए अभी रखा गया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं उनसे गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द ही करेंगे। और घटना को शराब के बारे में ऐसा स्थानीय लोगों का, कुछ लोगों का आरोप था, लोग उधर से बोल रहे थे, ऐसा अभी कोई चीज हम लोगों के सामने नहीं।